अब बोले थे ना कि खोजेंगे लड़की, अदर कास्ट का भी हो तो आपको लड़की कैसी चाहिए? अब के हुनर मेहरा रुचाई सुनर। टू माई चैनल प्राचित्स वर्ल्ड, आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज की वीडियो में आप लोग को बहुत सारी मस्ती दिखेगी जीजू और साले की। तो व्लॉग को लेट नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़िए। वैसे व्लॉग में स्पेशल इतना कुछ नहीं है, लेकिन बातें बहुत स्पेशल है, तो आप लोग व्लॉग देखना और आने वाले वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। डालने पर नहीं चलेगा, क्या चलेगा? मस्ती वाला चलते, आप एक पर खड़ा हो सकते हैं। और ये मेरा स्टडी रूम है, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक गद्दा और लेवा दोनों बिछाए हैं। तोड़ देगा मैं। टीवी नहीं, आलता है, कुछ में दिक्कत हो रही है। वो देने वाला आलता है। और ये मेरा स्टडी टेबल, ये लड्डू के पापा का लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप, ये वैसे ऑफिस का लैपटॉप है, इनका अपना लैपटॉप दूसरा ही है। ऑफिस वाला रूम है ना, ये ऑफिस वाला रूम नहीं है गाइस, ये मेरा स्टडी रूम है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बुक्स है, और यहाँ पे लड्डू के पापा का बुक्स है, इसमें लड्डू के पापा का बुक्स है, तो इसमें मेरा बुक है। वहाँ पे इन लोगों को बैठने में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, तो ये लोग उठा के मेरे बुक्स यहाँ रख दिए। ये सारे विजन के मटेरियल है, और इसमें से कुछ कुछ विजन के मटेरियल है, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये चारों वो मैं पढ़ चुकी हूँ। उसमें के दो पार्ट, यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 4 है, और बाकी ऐसे ही सॉल्व पेपर्स हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऊपर पंखा भी चल रहा है। और ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा से क्या करना है? पंखा चल रहा है, पंखा डांस भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, पंखा आवाज कर रही है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ बैठते हैं हम लोग, तो इतना मस्त हवा लगता है, मतलब इससे तो अच्छा इधर से पहाड़ भी दिखता है, बट ये विंडो ऐसे ऐसे इस स्लाइड में ना, तो हम लोग को नहीं दिख पाता, लेकिन अगर वैसे रहता तो मुझे दिखता। तो यहाँ पे का नजारा कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इधर से तो ऑफिस रूम है, इधर से स्टडी रूम है, लेकिन हम दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो इनका बस काम हो पाता है, मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाती। और ये मेरा टेबल पोछने वाला यहाँ गिरा है, और यहाँ पे हम लोग यही टेबल और चेयर लेकर के आए थे, जो आप लोग पिछले व्लॉग में देखे होंगे। लड्डू बहुत मस्ती कर रहा है यहाँ पे, वो अपना बॉटल छोड़ दिया है। अभी मैं फिर से जाऊँगी क्लास करने, क्योंकि घर का तो सारा काम वाम कर लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या, मैंने भी खाना भी तो खा लिया मैंने। ये खाना खा लिया, ये इनका काम था। अब बहुत दूर दिख रहे थे ऐसे, वैसे ये कंफर्टेबल नहीं होते हर टाइम वीडियो में आने, क्योंकि जब मैं इनका वीडियो कैप्चर करती हूँ तो बोलते हैं अरे मत डालना मेरा, मत डालना, मत डालना बोल रहे हैं, मत डालना। तो अभी बोल रहे थे ये सब वीडियो, अभी ये कोई कुत्ता का कहानी सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? अरे वो डॉगी था। बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत जेन्यून हो। जेन्यून मतलब कि जेन्यून नहीं। तो आपको कैसा लगता है, आप वर्किंग हो और मैं वर्किंग नहीं हूँ? कैसा लगता है क्या? अभी बच्चा है तो वर्किंग नहीं हो, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप भी वर्किंग हो जाओगी। नहीं, मैं वर्किंग नहीं हूँ। वर्किंग बोले तो एक होता है ना कि जाना ऑफिस, ऑफिस जाके काम, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो 24/7 का ड्यूटी हो जाएगा, तब हम लोग ये मोमेंट बहुत मिस करेंगे। मैं तो क्या यहाँ से मैं लेटा हूँ, आप बैठी हूँ। होगा ही नहीं, फिर आप बार बार घूमोगे और मैं इंडिया में घूमते रहूँगी। नहीं, बाहर लेकर चलेंगे हम। ठीक है, फिर मैं फॉरेन वाले में भरूंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरा IFS में भरूंगी। अच्छा रहेगा वो। फिर आप इंडिया में रहने में बाहर रहूंगी। मैं तो बाहर फटाक से जाऊंगा। तबको कैसा लग रहा है अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे? इतना मस्त लग रहा है, कुछ हो नहीं। तो गाइस इनको ये पहले ऐसे हस्बैंड है जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बीवी मायके से आ गई है। तो अब घर कब जाएंगे हम लोग? तो घर अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी सी हल्की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो चले जाएंगे। कैसी लग रहा है ऐसे? मैं आपको नीचे से शूट कर रही हूँ, आपको बैठना चाहिए। उठ के बैठ जाओ, ये बहुत ज्यादा थक गए हैं तो अभी इनको छोड़ देते हैं। कल अप्रोक्स 200 किलोमीटर बाइक चलाए हुए हैं और इन लोग को ठंड मार दी है। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि कोयम्बटूर में, मतलब साउथ में तो ठंडा होता ही नहीं है, तो आपको कहाँ से ठंड लग रही है? ऊटी जो है ना, हिली एरिया, ऊटी बहुत पास में है। एंड सेकेंड थिंग कि ये
कोयम्बटूर ऐसा एरिया है ना, ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है ना ठंडी होती है, और यहाँ सराउंडेड बाई पहाड़ है लेकिन आस पास समुन्द्र भी है। 2 घंटे के बाद ही समुन्द्र पड़ जाएगा। अभी लड्डू ने मेरे को मारा था पाक से इसके बॉल से और आ गया। ये लड्डू अपना बनी लेकर आया लड्डू बनी दो, ये दो ये दो टेडी दो। एक गुड न्यूज है, हम लोग प्रिंस बाबू के लिए लड़की देखे हुए हैं, कल बातचीत हुई है, तो आप लोगों को जल्दी शेयर किया जाएगा। ऊटी में लड़की देखी है। हाँ हाँ, एक लड़की देख रहे थे लोग, हम लोग दोनों जन मिलके। तो गाइस ये थोड़ा ज्यादा देखे हैं, हमने देखे हैं, बोल रहे हैं ना अभी लड़की देखे तो यही देखे हैं, हम नहीं देखे हैं। कल बोल रहे थे कोई बात नहीं, आप तो शादीशुदा है, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बोले थे ना कि पूछेंगे लड़की अदर कास्ट का भी हो तो। आप तो बोल रहे थे ना, पहले एक स्टेटमेंट दिए थे, आप क्या बोल रहे थे, आप तो शादीशुदा, आप मत देखिए। हाँ बोले कि आप तो शादीशुदा है, थोड़ा तो शर्म कीजिए। गाइस ये दोनों जीजा साला मिल करके लड़की देख रहे हैं लोग, अब इनके घर पे पता चलेगा ना, अब ये नहीं काटेंगे हम, अब मत बोलिएगा काट दो काट दो लड्डू काट दो। अरे मेरे ईयरबड खींच करके लेके जा रहा है कि मामू मेरे को खिला दो ऐसे। अरे टॉपिक पे आते हैं, आपको लड़की कैसी चाहिए, आपको लड़की कैसी चाहिए, हमको लड़की चाहिए, हमको लड़की चाहिए, हमको लड़की चाहिए, लड़की तो होनी चाहिए, कैसे चाहिए, सब ओके हूँ, सब ओके हूँ नर मेहरारू चाई सुनर, सब ओके हूँ नर मेहरारू चाई सुनर। इधर आइए ना, अरे इधर आइए। आप सोचे थे कि आपका सिवान में कभी शादी होगा? हम तो कभी सोचे भी नहीं सिवान में शादी होगा। आप कहाँ सोचे थे फिर? जब सिवान नहीं सोचे थे, लेकिन हम एक बात बताए, हम तो नौतन का नाम तक नहीं सुने थे अपने शादी के पहले। ऐसी मत बोला, आपकी मौसी रहती है नौतन में। मेरी कोई मौसी नहीं रहती है नौतन में। कौन? मेरी मम्मी, चार बहन। डॉक्टर साहब वाली? हाँ? अच्छा वो मौसी तो ये हमको थोड़ी पता, मेरी चाची की बहन कौन से गांव रहती है उससे क्या, लेकिन होता है ना, ना उनके तो आना जाना सब कुछ था। नहीं हम आज तक कभी अरे नाम नहीं सुने, नौतन कहाँ से आएंगे हम। अब रहोगी सिवन में तब तो सुनोगी। नहीं मेरी मम्मी भी नहीं सुनी थी पता है, हम मम्मी को बोले कि मम्मी आपको पता कैसे चला नौतन। और जब हम लोग, मेरी शादी हो गई ना, तो मेरे कितने रिलेटिव नौतन के निकले हैं पता है, कितने? नीतीश की चाची नौतन, नीतीश की चाची नौतन की, जो मेरी बुआ का बेटा है, मेरी जो बुआ के बेटे हैं उनका, उनकी वाइफ नौतन की है, जो बोलती है, सुनो ना, जो बोलती है हम आपको भाभी बोलेंगे, आप हमको भाभी बोलिएगा, हम लोग ननद वाला रिश्ता चलाएंगे। एक बताओ, अब उतना नॉलेज है ही नहीं किसकी शादी कहाँ हुई है, बुआ अपनी बुआ है, अपनी बुआ नहीं मतलब नीतीश की, वो नौतन की है ना। नीतीश की मेरी बुआ कहाँ से नौतन की हो गई? अच्छा मेरी बुआ तो शिवपुर की हुई ना, मेरा मेरी बुआ की देवरानी, मतलब कि अच्छा, जब शादी हो रही थी ना, तो मेरी जब शादी हुई ना, तो सबका रिश्ता, जब मेरे को कोई पूछता था ना कहाँ शादी हुई है, तो मैं बोलती थी नौतन, तो उसमें रिश्ते निकल जाते थे। अरे नौतन कैसा लगता है आपको? वैसे तो हमको कोयम्बटूर से तो अच्छा ही लगता है, भले घर में पैक रहते हैं लेकिन अच्छा लगता है। वाह क्या सीन है, इधर आइए ना। लेकिन हमको थोड़ा कैमरा उधर करो ना, अरे इधर आइए पहले। ओए सुनिए ना, मजाक नहीं सही में यार, कुछ लोग कमेंट किया था ठीक है, बोल दीजिएगा कमेंट था कि नहीं, आप अपने से बना रहे हैं, कमेंट रहता तो बोल दिए रहते। नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस ही नहीं बोलेंगे।
तो गाइस यह अच्छा लगा होगा तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय। नहीं आए इधर। कितने बजे सोए हैं आप? कितने बजे सोए हैं आप? हम सोए हैं आज 4:30 बजे 5 बजे। सुबह में क्या रात है? सुबह में क्यों सोए थे 4:30 बजे? कुछ काम कर रहे थे, कुछ बाकी है करके। गाइस ये लड्डू कब बनी है जिसमें आंख नहीं है, ना नाक है, ना मुंह है, ऊपर से इसका पैर भी फाड़ दिया है। लेकिन लड्डू इसको सुला रहा था एकदम ऐसे पकड़ कर के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी, छोरी से मैया करा दे मेरु ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, खोटी क्यों नजर है भाई? कैसे करा दूं तेरो ब्याह, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। बैल चढ़ाऊं आज के बाद मेरी मैया, तेरी दहली पर ना जाऊं। नींद आने लग गया इसको। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और फिर यहाँ मैं रेडी होने लगी बाहर जाने के लिए, लेकिन हम लोग गए ही नहीं। सो गाइज अभी मैं जाने वाली थी बाहर, लेकिन मौसम अजीब सा हो गया और प्रिंस के लिए शॉपिंग करना था, तो रेडी होकर के मैं बैठी हुई हूँ। आज मैंने जीन्स टी शर्ट डाला है कि कैजुअल वेयर। वैसे मैंने टॉप पहना था बट बारिश जैसा मौसम हुआ है तो मैंने टी शर्ट पहना है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बारिश मतलब अगर नहीं आता है तो मैं कहीं जाऊँगी। अब प्रिंस जाए कि नहीं, लड्डू के पापा की तबीयत थोड़ी सी, इन लोग को ऊटी में ठंड लग गई और लड्डू यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं, दोनों पापा बेटा बैठे सोए हुए हैं एक साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ सरप्राइज़ के लिए जाऊंगी। प्रिंस के लिए हम लोगों को कुछ लेना भी था, पता नहीं कब लेंगे, क्या लेंगे, क्या पसंद आएगा, लेंगे ना, क्योंकि हम लोग के यहाँ से कोई भी जाता है तो दिया जाता है कपड़े। और प्रिंस काफ़ी टाइम, मैं खुद 6 महीने बाद आई हूँ, तो वो तो 1 साल बाद आया ही है। पिछली बार कब आया था? लड्डू को लेके आया था, उसके बाद भी तो आया था, बैंगलोर पढ़ता था तो नहीं आया था। प्रिंस आया हुआ है 5-6 बार, 5-6 बार में कपड़े पता नहीं कितनी बार दिए हैं, नहीं दिए हैं। वैसे हम लोग तो मेरे मायके से आए या ससुराल से आए, हर किसी को देते हैं। और मेरे घर वाले बोलते भी हैं, मतलब कि जब भी कोई आता है, जैसे मेरी मम्मी आती है तो मेरे ससुराल से लोग बोलते हैं कि नहीं देना है, विदाई करना है बोलते हैं। यहाँ तक कि मैं जाती हूँ ना तो घर से फ़ोन आ जाता है कि हाँ अपने लिए कुछ ले लेना, खाली हाथ नहीं जा जाता अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मायके जाती हूँ तो। अदरवाइज ससुराल से होके जाती हूँ तो ससुराल में तो खुद ही वो लोग ही दे देते हैं, भैया भाभी सब लोग, कि विदाई होता है, मतलब विदाई मिलता है। फिर मैं मायके से जाती हूँ तो मुझे तब विदाई मिलता है, और बस यही सीन रहता है। और जब मेरे ससुराल वाले आते हैं तो, जैसे मेरे पापा आए थे, फिर उसके बाद से मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं ऐसे नहीं जाने दिया जाता है, तो दोनों जगह से हम लोगों को गाइडेंस मिल जाती है कि नहीं देते हैं, करते हैं। और प्लस हम लोग वेट कर रहे हैं कब आएंगे दूसरी बार, कि
क्योंकि लॉकडाउन में आए थे तो जिस मोटिव से आए थे घूमने फिरने के वो हो ही नहीं पाया, तिरुपति जाके वापस आ गए थे। तो इस बार लेट्स सी कब आते हैं पापा, चांस हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि घर पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है और पापा का मन भी नहीं लगता, इधर तमिल लोग हैं और वो हिंदी वाले एनवायरनमेंट में। तो अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ बाहर कहीं पे नहीं कुछ लाने, लड्डू को पार्क लेके नहीं, मुझे कुछ लाना है, फिर उसके बाद से मिलते हैं आपको आगे। और आई होप आप लोगों ने लड्डू प्रिंस और प्रिंस के जीजू की बात को इंजॉय किया होगा। तो अब हो गई बहुत सारी बातें एंड लाइव आएंगे हम लोग कब लड्डू? आपकी तबीयत सही नहीं है ना, सो आज हम लोग लाइव आएंगे, आज ही वीडियो जाएगा। सो आज हम लोग लाइव आएंगे अराउंड 10 o'clock, यानी कि 8 अक्टूबर को 10 ओ क्लॉक हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है? डन।